मधु मैं आ गया। और ये क्या तो पीछे बैठी है, क्यों बैठी है? हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल मधुरन संजय ब्लॉग्स फेसबुक अरे चैनल नहीं, पेज पेज। पेज यूट्यूब पे भी जाती है। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और दिवाली में फटाका फोड़ने के लिए मत फोड़िएगा, हम नहीं फोड़ते हैं। 2 घंटे का टाइम मिला है बस, 8 से 10 हम लोगों को फटाका फोड़ने के लिए यहाँ डिब्रूगढ़ असम में। उसके बाद नहीं फोड़ा जाएगा। हम ऐसा बहुत कोई खुश, कंपलसरी नहीं है, लेकिन मतलब रात को देर रात तक ना फोड़ा जाए तो अच्छा हम है। बहुत खुश हैं क्योंकि हम देखते हैं बहुत धूमधाम आता है और सोने नहीं सकते हैं। और इसका मतलब दिन क्या बाकी लोग एंजॉय नहीं करें क्या? साल में एक बार आता है, एक बार आए चाहे 2 बार आए, फटाका खरीदो और उड़ा दो तो मतलब तुमको अगर पैसा पसंद नहीं, इसका मतलब थोड़ी ना बाकी लोगों को पसंद नहीं होगा, उन लोग तो पसंद एंजॉय कर ही सकते हैं है ना। पैसा जलाना। मेरी बेटी छोटे से बोलती है, ओ माँ ये तो पैसा से खरीदते हैं, उसको आके जला देते हैं, इसका मतलब पैसा जलाना। तो फटाका हम लोग नहीं जलाते हैं, वैसा सोचने बट से फिर दिवाली कभी होगा नहीं। दिवाली का तारा मतलब ही बत्ती है लाइट और पटाखा। दिवाली में ये थोड़े ना उससे कहे नॉइस थे, पोल्यूशन हो राम रहा जी है, थोड़े ना पोल्यूशन कहे थे बहुत, बम पोल्यूशन उड़ाओ। तो बहुत चीज से होता है। हम तो लोग जो होली खेलता है, होली में कलर यूज होता है, वो भी तो बहुत केमिकल यूज थोड़ा होता है बहुत हम आजकल। नहीं करते, होली हम हम लोग भी नहीं अमीर, खेलते हम हैं। लोग अबीर से करते हैं। अब कितना तो को समझाएं, उड़ाएंगे उड़ाएंगे तारा बत्ती उड़ाएंगे। तो गाइस ये सब मैटर खत्म करते हैं, वो लगा देते हैं झगड़ा। चलो मैं भी आ जाता हूँ, तो जल्दी ये भी खुशबू। गई थी साथ में, खुशको जगह दो। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या लाए हैं वो हम बताएंगे। हम बताएगा हम बताएगा, मैं बताऊंगी, नहीं हम बताएगा। चलो मैं बताऊँ, सबसे पहले वो बताइए। ओ हाँ ये क्या बताना, ये तो दो देखिए दो झाड़ू है, जो इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रूम। ब्रूम झाड़ू मतलब ये एक क्या यहाँ मतलब बंगाली कि में नियम है कि धनतेरस साइड में कीजिए झाड़ू साइड दिया धनतेरस में जाए। लाने का एक नियम होता है, और क्या तो ये ये पापा भी ले लिया, तो सब प्रथा लोग लेते चला हैं, आया तो हम बहुत लोग भी सालों ले से। लेते हैं। हम लोग का नहीं है, लेकिन बाकी लोग भी बहुत लोग लाते हैं तो और हम लोग भी हाँ लेके आए। मार्केट में गए तो ये सबसे ज्यादा तो झाड़ू की झाड़ू दुकान पे झाड़ू भीड़ है, झाड़ू सब लोग का हाथ में धनतेरस में झाड़ू और कुछ है। लो या ना लो, कम से झाड़ू कम लो, झाड़ू तो मतलब लेना बनता है साइड में क्योंकि रखो साइड में रखो। ये पूजा का, और हम लोग नीचे क्यों बैठे हैं, इससे पहले पति देव पूछे थे बेटा साइड में साइड क्यों पर रख बैठे हैं, दीजिए। क्योंकि बेड पर नहीं ले गए हैं, क्योंकि इसमें हम लोगों का पूजा में पूजा के लिए भी है, और जब हम लोग फास्टिंग करते हैं तो हम लोगों का ग्लास जो था वो हम लोग खा व्रत के ले बाद जो खाते हैं, मतलब तो हम लोग चाहिए था हम खाते लोगों हैं को तो जैसे जैसे साबूदाना पानी। हो गया, फल हो गया, बीच में पानी पिया, तो इसमें भी तो सबसे पहले ये दिखाइए, बेटी पसंद की है, बोली है वो माँ ऊपर वाला, ऊपर वाला सबसे बड़ा। तो ये देखिए ग्लास है, सबसे एक ज्यादा प्रॉब्लम इसको होता है मीट मछली बनने से, क्योंकि ग्लास पहले में अनपैक कर दे। हाँ खोल दो, क्या होता है ग्लास में पानी पीने से महकता है, स्मेल करता है सब। हाँ वो तो इसको चाहिए था अलग से, हमेशा बोलती थी। तो ये वाला ग्लास ली है, बिल्कुल ही कंपनी का ली है, गिरेगा तो खराब नहीं होगा। तो 3 ग्लास बड़ा साइज का है वो ना। एक हम छोटा साइज के लिए, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। तो हम ऑर्डर किया था लेकिन फिर वो क्वांटिटी मतलब उतना था ही नहीं, बिक गया सब, बहुत भीड़ था। जाए ये वाला हमको अच्छा लगा है, इसका साइज थोड़ा छोटा है बट अच्छा है। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और कौन से पूजा के लिए रखेंगे, हम सोचते हैं ये रख दो पूजा के लिए। हाँ ये बड़ा सुंदर लग रहा है, चमक रहा है। ये वाला लीजिए, ये वाला बताइए किस लिए लिया गया है। इस ये लिया गया है दादू के दादू लिए, के लिए, दादू का टिफिन में जो दाल जाता है वो इसमें जाएगा, और कभी क्योंकि कभी मैं भी ले जाऊंगी इसमें ये अगर चांस में डांस मार। तो ये दादू के लिए है और ये पूजा के लिए, पानी पीने के लिए इनके लिए है, एक मैं अपने लिए ली हूँ, क्योंकि मैं भी मछली खाती हूँ कभी अगर कभार, हम बट दिखाएगा मछली खाना पसंद है, बट ग्लास अलग से चाहिए हम पानी पीने बताते हैं का। इसमें से एक प्लेट मेरा है। हाँ इसमें हम ही खाएंगे। और ये 3 प्लेट वेज इसलिए आया है वो बताओ, प्लास्टिक का प्लेट हम लोगों के घर पर ढेर सारा है, बर्तन की कमी नहीं है, लेकिन ना प्लास्टिक का जब ट्रेंडिंग चल रहा था तो हम लोगों तो ले लिया, जो जो रखना चाहिए गेस्ट से तो सर्व किया था। क्यों गेस्ट प्लास्टिक का लोग उसमें क्यों गरम गरम लोग सर्व करता है ना खाने के लिए, गरम गरम खाना डालता है तो वो अच्छा नहीं होता एक्चुअली, इसमें जो शक्ल भी भी है देख सकते प्लास्टिक हैं। है ना। ये प्लेट लिया है किचन यूज के लिए, ये वाला प्लेट लिया गया है किचन में, पापा बोला है प्लास्टिक में अब हमको मत देना आज के बाद, कब से बोल रहे थे स्टील में चाहिए। और ये भी स्टील में ही मांगती है, ये भी किचन के लिए ही है, किचन के लिए ये इसमें से एक दोनों। मेरा होगा और एक कौन लेगा मुझे, इसमें लेगा। रोटी भी खा सकता, दाल चावल भी खा सकते हैं। और ये है पूजा के, इसलिए हम नीचे हल्के, बैठे इसको जितना देख के भारी लग रहा है हाँ। उतना हल्का है। और ये हम लिए हैं चमचमाती थाली पूजा के लिए, कि एक थाली है मेरे पास बट जब हम पूजा करते हैं तो हम लोग फ्रूट और खाते हैं ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी ये भी फास्टिंग करेगी बोल रही है, काली परसों काली पूजा, तो हमको चाहिए। हमारा ढेर सारा बर्तन जो मिला है पापा के घर से तिलक में, वो सब हमारे बिहार में है, यहाँ नहीं है, इसलिए हमको मुश्किल हो जाता है जब पूजा करते हैं तो हमको कोई बर्तन अलग से मिलता नहीं। तो ये वाला पूजा के लिए, लेकिन इस बारे में राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, इसमें दिवाली सजाएंगे। अच्छा तो डिजाइन वाला दिया लाना ना। हाँ यहाँ पे इस पे दिया जल भर के दिखाएंगे आप लोगों को, तो इसको अलग रखिए, इसमें भी शक्ल देखो। राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, इसमें
तो ये लिए हैं राम जी के लिए, दिवाली के दिन उस पर निकलेगा उनके लिए सुंदर सुंदर दिया, दीपक जलेगा। तो इस वीडियो को तो ज़्यादा मैं लंबी नहीं करूँगी क्योंकि छोटकू सी सामान लाए हैं हम लोग। और था वो ले आई जय दौड़मर के वो मिल जो हम लोग जो लाए हैं वही दिखाएंगे ना, सच है ना। और खाली स्टील नहीं लिए हैं हम लोग, साथ में कुछ मीठा भी लिए हैं, उसको साइड में रखा, साथ में कुछ मीठा भी है बेटा के लिए, कुछ स्वीट्स हम लिए हैं, वो नहीं गए थे हम गए थे होटल। बर्फी है, यहाँ पे 5 बर्फी था, 2 खा चुके, दो खा चुके हैं। 5 इसलिए था कि एक पापा, एक पापा मतलब फादर इन लॉ, एक बेटी, एक पोता पोती बहू और बेटा, एक एक सबका है, आप लोग का नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे 5 रसगुल्ला है जो कि हम लोग 5 आदमी हैं इसीलिए 5 ही लाए। अभी खोल के दिखाएगी तो आप लोग भी आइएगा साथ में तो होगा, एक में से तोड़ तोड़ के खा लेंगे, ये लोग तो देगा नहीं, मैं देंगी सबको। तो यहाँ पे 5 रसगुल्ला है जो कि आप फ्रिज में रख दीजिए, दादू रखो, दादू एक, हमारे घर में 5 आदमी है इसलिए 5, एक एक सबका है। हम जब भी सामान लेते हैं ना, ये लोग कभी कभार दादू के लिए नहीं लेता है, अपने किनता है अपने खा लेता है आके, हम जब भी लेते हैं 5 लेते हैं कि दादू का, ओह हाँ दादू को नहीं दे ही गया, अच्छी बात। तो चलिए ये बर्फी हो गया, ये वाला हो गया, तब तक के लिए कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और आप लोग क्या क्या खरीदे हैं जरूर कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय टाटा। और मैं जा रही हूँ, नहीं पिक्चर अभी बाकी है।